अस्सलाम वालेकुम, चटपटा मसाला में खुश आमदीद। आज की हमारी रेसिपी है बड़ी मज़ेदार सी और क्विक सी, फ्राइड क्रिस्पी फिंगर फिश। चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हमने हाफ के जी बोनलेस फिश ले ली है और उसको मैंने स्लाइसेस में इस तरह कट कर लिया है और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है उसमें हमें चाहिए लेमन। मैंने 2 लेमन्स ले लिए और उसका जूस निकाल के वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही सॉल्ट है, सॉल्ट आपने ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। सॉल्ट टू टेस्ट मैं इसमें पिंच सॉल्ट डालूँगी, ऐड करूँगी, फिर इसकी कोटिंग में भी ऐड होगा। और साथ ही 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये मैं सारी इसमें ऐड करूँगी। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब हम कोटिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। कोटिंग के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप मैदा। इसमें मैं 1/2 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। 1/2 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ही हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, ये 1 टेबलस्पून इसमें हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ओरिगैनो पाउडर, और मैंने साथ लीव्स दोनों मिक्स क्रश्ड और पाउडर दोनों लिया है, वो इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा, ठीक है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें फ़िश की कोटिंग करेंगे स्टार्ट। अब हम अपने डिप तैयार कर लेंगे। डिप रेडी करने के लिए मैंने लहसुन का 1 क्लॉव ले लिया और उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया। अब साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब मायो डाल देंगे, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू, अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा ले लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं पिंच सॉल्ट ऐड करूँगी, साथ ही मैं इसमें पिंच ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसमें पिंच मस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी, ठीक है। और इसके साथ ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी पिंच ऐड करूँगी, क्योंकि मैं क्वांटिटी कम बना रही हूँ इसलिए मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं पिंच ऐड करूँगी। इसमें मैं वन टेबल स्पून के करीब दूध ऐड कर दूँगी। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो आप इसमें दूध ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसकी डिप रेडी हो जाएगी। देखें जितनी थिकनेस आप रखना चाहते हैं आप रखें, ये हमारी डिप रेडी हो गई है। आफ्टर 30 मिनट्स हमारी फ़िश की ये कंडीशन होगी। अब हम उसने देखे पानी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं, ये देखें। अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे और इसका हम कुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट कर लेंगे फ़िश की, जिसके लिए हमने मैरिनेटेड मैदा ले लिया है उसका बैटर, और साथ ही हम जो है ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और साथ ही 1 एग, ठीक है। अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। आपने 1 बाय 1 अपना जो है 1 बाय 1 फिश से आपने एक एक चंक उठाने, ठीक है। सबसे पहले आपने करनी है मैदे की अच्छे तरीके से कोटिंग, ठीक है। जब अच्छे तरीके से आप मैदे की कोटिंग कर लें तो साथ ही आपने इसको अंडे में डाल देना है और दूसरा हाथ यूज़ कर लेना है।
ठीक है। अगर तो आप लोग डबल कोटिंग चाहते हैं तो आप इसको डबल कोट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल कोट कर रही हूँ। और साथ ही हम इसमें अंडे के बाद इसको लगाएंगे क्रम्स। और अब आपने फिर अपना सूखा वाला हाथ यूज़ करना। अच्छे तरीके से आपने इसमें क्रम्स लगा लेना, ठीक है। और वन बाय वन आपने इसी तरह तमाम फिश को कोट कर लेना। अब मैं कोट करके आपको दिखाती हूँ। सारी फिश को मैंने कोटिंग कर ली है और अब हम इसको लो मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हम लोगों का जो है गर्म हो चुका है। अब मैंने नीचे से जो फ्लेम है वो स्लो कर दिया है और अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन बाय वन अपनी फिश डालेंगे और नीचे से फ्लेम लो रखेंगे ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। ये ना हो कि बाहर से ब्राउन हो जाए और अंदर से कच्ची रहे। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। फिश हम लोगों की देखिए अच्छे तरीके से पक चुकी है। इस कंडीशन पे हमने इसे निकाल लेना, ऊपर से ब्राउन और अंदर से पक गई। हमने लो फ्लेम में एटलीस्ट इसको 5 मिनट के लिए, 5 to 7 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से कुक किया, ठीक है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अब इसके बाद ये रेडी है। टिश्यू में इसलिए रखा है ताकि ऑयल सोक कर ले टिश्यू, और अब फिर हम इसे डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। हमारी मज़ेदार सी क्रंची और क्रिस्पी फिंगर फिश रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस डिप को भी ज़रूर इसके साथ ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और फीडबैक देना कभी ना भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।